वेलकम टू महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एकेडमी। आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे न्यूमरिकल ऑन सन की। देखिए एकदम सिंपल न्यूमरिकल है, सिंपली यहाँ पे आपको फार्मूलाज का यूज़ करना है और न्यूमरिकल को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमारे दो इक्वेशन है, कंसिडरिंग द शेयर फेल्योर ऑफ द की एंड कंसिडरिंग द क्रशिंग फेल्योर ऑफ द की। देन यहाँ पे आपका एक तो स्क्वेयर की होगा, नहीं तो रेक्टेंगुलर की होगा, उनके इंपेरिकल रिलेशन का यूज़ करके यहाँ पे हमें न्यूमरिकल सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे न्यूमरिकल सॉल्व करेंगे डिज़ाइन ऑफ सन की। फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपका विंटर 18 के एग्जाम में आया है। मोस्टली यहाँ पे जो न्यूमेरिकल आपका एग्जाम में आता है 4 to 6 मार्क्स के लिए एग्जाम में आता है। तो ऐसे ही आपको आगे आने वाले वीडियो के अपडेट्स चाहिए तो अपना जो टेलीग्राम चैनल है महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एकेडमी, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। उसी के साथ आपको MSBT का सिलेबस, केशव पेपर एंड सोल्यूशन एंड सब्जेक्ट का फुल्ली रिकॉर्डेड कोर्स चाहिए तो अपना जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, एप्लीकेशन का लिंक भी वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो एकदम सिंपली स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन वन का सोल्यूशन, एकदम सिंपल न्यूमरिकल है क्वेश्चन वन का सोल्यूशन। इससे पहले मैंने डिज़ाइन प्रोसीजर ऑफ सम की उसका वीडियो अपलोड किया है, सबसे पहले वो वीडियो आपको देखना है, देन आपको ये वीडियो से न्यूमरिकल सॉल्व करने को स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले आप डिज़ाइन प्रोसीजर ऑफ सम की देख लीजिए, देन आप ये वीडियो देख सकते हो। तो देखिए विंटर 18 के एग्जाम में आया है, डिज़ाइन ऑफ डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर की टू बी यूज फॉर शाफ्ट ऑफ डायमीटर 50 mm, बोथ आर हैविंग सेम मटेरियल, टेक टाउ 42 MPa एंड सिग्मा सी 70 MPa। तो देखिए यहाँ पे हमें डिज़ाइन ऑफ रेक्टेंगुलर की बोला है, शाफ्ट का डायमीटर यहाँ पे हमें गिवन क्या दिया है, गिवन डेटा, देखिए यहाँ पे हमें गिवन डेटा क्या दिया है, गिवन डेटा डायमीटर ऑफ शाफ्ट दिया है 50 mm, 50 mm, बोथ आर हैविंग सेम मटेरियल, मतलब शाफ्ट एंड की के लिए यहाँ पे सेम मटेरियल है। तो यहाँ पे टाऊ टाऊ 42 MPa, मतलब 42 Nm/mm², देन सिग्मा सी क्रशिंग स्ट्रेस 70 MPa, मतलब 70 Nm/mm². तो शाफ्ट और की के लिए सेम मटेरियल है। तो टू फाइंड यहाँ पे हमें क्या करना है, टू फाइंड डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर की। तो यहाँ पे हमें रेक्टेंगुलर की को डिज़ाइन करना है, एकदम सिंपल है सोल्यूशन। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमें टॉर्क का वैल्यू फाइंड आउट करना है, क्योंकि कंसिडरिंग द क्रशिंग फेल्योर एंड कंसिडरिंग द शेयर फेल्योर यहाँ पे हमें टॉर्क चाहिए। तो सबसे पहले टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय शाफ्ट टी। देखिए यहाँ पे सिर्फ हमें डी दिया है, डायमीटर ऑफ शाफ्ट दिया है, मतलब आपका शाफ्ट कौन सा होगा, सॉलिड शाफ्ट होगा, फॉर सॉलिड शाफ्ट आपका शाफ्ट कौन सा होगा, सॉलिड शाफ्ट। तो टी इज इक्वल टू, देखिए टी इज इक्वल टू पाई बाय 16 टाउ इंटू डायमीटर का क्यू। देखिए टॉर्क का आपका फॉर्मूला क्या, फॉर द सॉलिड शाफ्ट टी इज इक्वल टू पाई बाय 16 टाउ इंटू डी क्यू। तो टी का वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, पाई बाय 16 टाउ, की और शाफ्ट दोनों के लिए टाउ सेम है, टाउ का वैल्यू 42, डायमीटर का वैल्यू 50 उसका क्यूब, और 50 का क्यूब। तो यहाँ पे आपका टॉर्क का वैल्यू आ रहा है पाई बाय 16 इंटू 42 इंटू 50 उसका क्यूब, तो आपका वैल्यू आ रहा है 1.03 × 10⁶। 1.03 × 10⁶ न्यूटन mm, ये आपका हो गया टॉर्क का वैल्यू, आपका हो गया टॉर्क का वैल्यू। देन देखिए यहाँ पे सबसे पहले इम्पेरिकल रिलेशन का यूज़ करेंगे, नहीं तो सबसे पहले यहाँ पे लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे, जो भी आपको इजी लगे वैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे इम्पेरिकल रिलेशन का यूज़ करता हूँ, यूजिंग इम्पेरिकल रिलेशन, यूजिंग इम्पेरिकल रिलेशन फॉर रेक्टेंगुलर की, फॉर रेक्टेंगुलर की, देखिए फॉर द रेक्टेंगुलर की विड्थ, विड्थ ऑफ की W इज इक्वल टू
डी बाय फोर, डी बाय फोर मतलब आपका कितना आएगा 50/4, 50/4, डायमीटर कितना है शाफ्ट का 50, तो आपका विड्थ का वैल्यू है 50/4 12.5, 12.5, तो 12.5 भी ले सकते हैं, तो चाहिए तो यहाँ पे राउंड फिगर भी कर सकते हैं, तो मैं यही वैल्यू रख रहा हूँ, नहीं चाहिए तो आप इसे 13 mm या 14 mm भी ले सकते हो, तो आपका विड्थ का वैल्यू आया है 12.5 mm, आपका विड्थ का वैल्यू आया है 12.5 mm। देन देखिए नेक्स्ट थिकनेस का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, थिकनेस न्यूमरिकल एकदम सिंपल है, थिकनेस टी इज इक्वल टू, थिकनेस टी इज इक्वल टू डी बाय सिक्स, थिकनेस टी इज इक्वल टू डी बाय सिक्स, तो 50/6, तो यहाँ पे आपका टी का आंसर आ रहा है 50/6 8.33। देखिए 8.33 को आप राउंड फिगर 9 या 10 भी ले सकते हो, तो यहाँ पे मैं 8.33 ले रहा हूँ जो एक्चुअल वैल्यू आया हो। अब यहाँ पे 9 भी ले सकते हो, 10 भी ले सकते हो, आगे वाला वैल्यू सिर्फ आपको लेना है, तो मोस्टली हम लोग राउंड फिगर ही लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 8.33, आप 9 से भी कैलकुलेशन कर सकते हो, 10 से भी आगे जाके कैलकुलेशन कर सकते हो। देन देखिए यहाँ पे हमें विड्थ और थिकनेस मिल गया, अभी लेंथ फाइंड आउट करना है। कंसिडर शीयर, शीयर फेल्योर ऑफ की, शीयर फेल्योर ऑफ की, तो यहाँ पे हमारा टी का फॉर्मूला है टी इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ इंटू टाउ इंटू डायमीटर बाय टू। टॉर्क का वैल्यू हमारा कितना आया है 1.03 इंटू 10^6, लेंथ हमें फाइंड आउट करना है। देखिए विड्थ कितना आया है 12.5, और की के लिए टाउ 42, शाफ्ट और की के लिए टाउ का वैल्यू सेम है, 42 में दोनों का सेम मटेरियल है, और डायमीटर कितना है 50/2, तो यहाँ पे आपका लेंथ का वैल्यू आ रहा है। देखिए बाकी सभी वैल्यू आपके यहाँ पे डिवाइड में आएंगे, 1.03 इंटू 10^6, 1.03 इंटू 10^6 डिवाइड बाय 12.5 इंटू 42 इंटू 50/2 कितना होगा 25, तो यहाँ पे आपका वैल्यू आ रहा है 78.47 mm, 78.47 mm। राउंड फिगर इसे 80 भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू राउंड फिगर नहीं कर रहा, आप चाहे तो आप राउंड फिगर कर सकते हो 78.47 mm। ये हो गया शियर फेलियर ऑफ द की, देन क्रशिंग फेल्योर ऑफ द की, देन क्रशिंग फेल्योर ऑफ द की, क्रशिंग फेल्योर ऑफ की, तो सेम फॉर्मूला टॉर्क लेंथ इंटू थिकनेस बाय टू इंटू सिग्मा सी इंटू डायमीटर बाय टू, तो 1.03 इंटू 10^6 लेंथ यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है। दोनों शियर फेलियर से भी लेंथ फाइंड आउट करेंगे और क्रशिंग से भी करेंगे, जो लार्जर वैल्यू होगा वो सिलेक्ट करेंगे। तो थिकनेस हमारा कितना है 8.33 बाई टू इंटू सिग्मा सी का वैल्यू 70, देन डायमीटर का वैल्यू 50/2, तो यहाँ पे लेंथ का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, लेंथ का वैल्यू कितना आता है देखेंगे 1.03 इंटू 10^6 डिवाइड बाय 8.33/2, 8.33/2 इंटू 70 इंटू 50/2 कितना होगा 25, तो यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है 1.03 इंटू 10^6 डिवाइड बाय 8.33/2 इंटू 70 इंटू 25, तो यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है 141.31, 141.31 mm। तो देखिए यहाँ पे आपका वैल्यू आ रहा है 141.31 mm। तो यहाँ पे डिज़ाइन ऑफ रेक्टेंगुलर की में हमें विड्थ कितना मिला है,
विड्थ मिला है 12.5, थिकनेस मिला है 8.33 और लेंथ का वैल्यू, दो लेंथ की वैल्यू मिले, जल्द सिलेक्ट द लार्जर वैल्यू, सिलेक्ट लार्जर वैल्यू, सिलेक्ट लार्जर वैल्यू, तो लेंथ का हमारा वैल्यू है 141.31 mm, यहाँ पे हम लोग लार्जर वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे। तो हो गया आपका डिज़ाइन ऑफ, डिज़ाइन प्रोसीजर और डिज़ाइन ऑफ संघ की, रेक्टेंगुलर संघ की। तो एकदम सिंपल है, इसका आंसर आप नोट डाउन कर लीजिए, देन नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो समर 17 के एग्जाम में आया है। देन सेकंड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, एकदम सिंपल है सेकंड न्यूमेरिकल भी, समर 17 के एग्जाम में आया है। ए शाफ्ट टॉप 30 mm डायमीटर, देखिए यहाँ पे हमें शाफ्ट दिया है, सबसे पहले गिवन डेटा लिख लेंगे यहाँ पे, शामीटर डायमीटर ऑफ शाफ्ट कितना है 30 mm, शाफ्ट टॉप 30 mm डायमीटर इज ट्रांसमिटिंग पावर एट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ऑफ 80 MPa। देखिए यहाँ पे टाऊ का वैल्यू दिया है 80 MPa, मतलब 80 N/mm². देखिए शाफ्ट के लिए उन्हें क्लियर कट मेंशन किया है, ये शाफ्ट टॉप 30 mm डायमीटर इज ट्रांसमिटिंग पावर एट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस 80 MPa, मतलब टाऊ किसका है, शाफ्ट के लिए। ई पुली इज कनेक्टेड टू द शाफ्ट बाय मीन्स ऑफ की, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ की सो दैट स्ट्रेस इन द की इज नॉट टू एक्सीड 50 MPa एंड लेंथ ऑफ द की इज फोर टाइम्स ऑफ विड्थ। देखिए ये जो डेटा है यहाँ पे आपका शाफ्ट के लिए डेटा है, तो यहाँ पे लिखता हूँ फॉर शाफ्ट, आपका डेटा शाफ्ट के लिए, जो स्टार्टिंग में जो हमें डेटा दिया गया है वो शाफ्ट के लिए है। देन देखिए फॉर की, तो फॉर की के लिए उन्होंने हमें क्या दिया है, फॉर की के लिए यहाँ पे हमें फाइंड द डायमेंशन ऑफ द की सो दैट स्ट्रेस इन द की नॉट टू एक्सीड 50 MPa। देखिए अगर यहाँ पे हमें शियर स्ट्रेस दिया है शाफ्ट का, तो यहाँ पे भी अज्यूम करेंगे कि शियर स्ट्रेस ही दिया है, क्योंकि मोस्टली शियर स्ट्रेस का वैल्यू ही आपका 45-60 के रेंज में होता है। तो बरा तो यहाँ पे आपका जो वैल्यू है वो 50 MPa शियर स्ट्रेस का ही अज्यूम करेंगे, तो यहाँ पे टाऊ कितना है 50 MPa, मतलब 50 N/mm². यहाँ पे उन्होंने मेंशन नहीं किया है क्रशिंग स्ट्रेस है या शियर स्ट्रेस है, तो यहाँ पे उन्होंने हमें शियर स्ट्रेस शार्प का दिया है, तो यहाँ पे अज्यूम करेंगे की का दिया होगा 50 MPa फॉर द टाऊ 50 N/mm². देन लेंथ ऑफ द की इज, देखिए लेंथ ऑफ द की 4 times ऑफ विड्थ, ये हमें इक्वेशन दिया, लेंथ ऑफ की इज इक्वल टू 4 times ऑफ विड्थ W। तो यहाँ पे भी हमें सबसे पहले टॉर्क फाइंड आउट करना है, यहाँ पे भी सबसे पहले टॉर्क का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे फॉर द सॉलिड शाप, टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय शाप T इज इक्वल टू पाई बाय 16 टाउ इंटू डी क्यू। देखिए सबसे पहले टॉर्क का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, टू फाइंड में यहाँ पे क्या आएगा, टू फाइंड डायमेंशंस ऑफ द की बोला है, टू फाइंड डायमेंशन ऑफ की, टू फाइंड डायमेंशन ऑफ द की, तो मेंशन नहीं किया रेक्टेंगुलर की या स्क्वायर की है, तो कोई भी की यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं। तो टी इज इक्वल टू पाई बाय 16 टाउ इंटू डी क्यू फॉर द सॉलिड शाफ्ट, तो पाई बाय 16 टाउ का वैल्यू कितना है 80, देन डायमीटर का वैल्यू 30 का क्यूब। देखिए यहाँ पे आपका टॉर्क का वैल्यू आ रहा है पाई बाय 16 इंटू 80 इंटू 30 उसका क्यूब, तो आपका वैल्यू यहाँ पे 424.11 इंटू 10^3 N/mm इंटू N/mm। देखिए एकदम सिंपल है, यहाँ पे हमें टॉर्क का वैल्यू तो मिल गया। देन देखिए यहाँ पे हमें इम्पेरिकल रिलेशन यूज करने के लिए उसने कुछ मेंशन ही नहीं किया आपका रेक्टेंगुलर की है या स्क्वायर की है, तो यहाँ पे रिलेशन का यूज़ करके, देखिए यहाँ पे जो रिलेशन दिया है उसका यूज़ करके यहाँ पे सबसे पहले विड्थ का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो फॉर द शियर फेलियर ऑफ द क्यूब, क्योंकि यहाँ पे क्रशिंग का तो डेटा दिया ही नहीं है, सिग्मा सी का वैल्यू दिया नहीं है, फॉर शियर फेलियर
फॉर शियर फेल्योर ऑफ की टी इज इक्वल टू एल इंटू डब्ल्यू इंटू टाऊ इंटू डी बाय टू। तो टी तो आपका वैसे ही का वैसा, देखिए लेंथ क्या बोला है, फोर टाइम्स ऑफ विड्थ, तो यहाँ पे यूज करता हूँ लेंथ इज इक्वल टू फोर टाइम्स ऑफ विड्थ इंटू टाऊ इंटू आपका डी बाय टू। तो यहाँ पे देखिए आपका रिलेशन क्या बन रहा है, फोर डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू क्या होगा, डब्ल्यू का स्क्वायर इंटू टाऊ इंटू डी बाय टू। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ टी का वैल्यू 424.11 इंटू 10^3 4 इंटू विड्थ का स्क्वायर, टाऊ का वैल्यू 50 टाऊ का वैल्यू 50 देन डायमीटर आपका कितना है 30/2। देखिए यहाँ पे विड्थ का वैल्यू आपका कितना आ रहा है, तो विड्थ का स्क्वायर है तो 4 × 50 × 30/2 सभी आपके डिवाइड में आएंगे 424.11 इंटू 10^3 डिवाइड बाय 4 इंटू 50 इंटू 30/2 मतलब 15। तो आपको जो आंसर मिलेगा वो यहाँ पे विड्थ स्क्वायर का मिलेगा, तो सिंपली आंसर को अंडर रूट में लेंगे, अंडर रूट आंसर 11.88। तो यहाँ पे आपका वैल्यू आ रहा है 11.88 mm। इसे चाहे तो राउंड फिगर कर सकते हैं, 12 ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं ठीक है फिलहाल इसे राउंड फिगर करता हूँ 12 mm, नहीं किया तो भी चलेगा, यहाँ पे किया तो भी कोई इशू नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमें एक्चुअल कैलकुलेशन नहीं कर रहे। तो विड्थ इज इक्वल टू आपका विड्थ का वैल्यू कितना आया 12 mm, इसे राउंड फिगर मैंने यहाँ पे किया है। पहले न्यूमेरिकल में राउंड फिगर नहीं किया था, चाहे तो आप राउंड फिगर करके भी सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आंसर यहाँ पे वहाँ पे चेंज होगा। तो विड्थ का आपका वैल्यू कितना आया 12 mm, विड्थ का वैल्यू कितना आया 12 mm। तो देखिए यहाँ पे समझो एज्यूम करेंगे फॉर स्क्वायर की विड्थ इज इक्वल टू थिकनेस, दोनों सेम होते हैं और विड्थ इज इक्वल टू थिकनेस इज इक्वल टू डायमीटर बाय 4 होता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमें वैल्यू मिले है, तो विड्थ इज इक्वल टू थिकनेस इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे कोई भी रिलेशन हमने यूज नहीं किया है, सिंपली इससे विड्थ का वैल्यू फाइंड आउट किया है कंसिडरिंग द शेयर फेल्योर ऑफ द की। तो फॉर द स्क्वायर की दोनों वैल्यू सेम होते हैं, तो विड्थ इज इक्वल टू थिकनेस इज इक्वल टू 12 mm, तो हो गया आपका फाइनल आंसर, आपका हो गया फाइनल आंसर। देन फॉर द अगर उन्होंने बोला स्पेशली, अगर इसे तो यहाँ पे तो को मेंशन नहीं किया है, तो फॉर द स्क्वायर की आपका हो गया विड्थ और थिकनेस दोनों सेम हो गए। अगर रेक्टेंगुलर की का आया, मतलब सेम यहाँ पे बोला उन्होंने रेक्टेंगुलर की, तो वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर रेक्टेंगुलर की, फॉर रेक्टेंगुलर की। तो देखिए विड्थ का वैल्यू तो आपका 12 mm हमें सेम मिला है, थिकनेस का वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या होता है, देखिए थिकनेस का वैल्यू का एक्चुअल आपका रिलेशन क्या है, डायमीटर बाय 6 है, डायमीटर बाय 6 है, लेकिन उसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × width by 3 और 2 × width by 3, तो ऐसे लिखा तो भी आपका आंसर सेम आता है। तो एक्चुअली टी इज इक्वल टू 2 × width by 3 ये वाला भी रिलेशन यूज कर सकते हो, तो डी बाय 6 वाला भी रिलेशन यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 × width हमारा कितना है 12/3, तो थिकनेस का यहाँ पे हमारा वैल्यू है 2 × 12/3 8 mm। तो यहाँ पे हमारा थिकनेस आ रहा है 8 mm, ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए जो थिकनेस का हमारा जो रिलेशन आया है d/6 इसी रिलेशन से उसे फाइंड आउट किया गया है, चाहे तो आप यहाँ पे विड्थ का वैल्यू पुट करके देखिए d/4, तो आपको वही रिलेशन यहाँ पे मिलेगा। तो इसे भी ध्यान में रख सकते हो, अगर यहाँ पे उन्होंने मेंशन ही नहीं किया तो सिंपली यहीं पे सॉल्यूशन आप स्टॉप कर सकते हो फॉर द स्क्वायर की विड्थ एंड थिकनेस इज इक्वल टू 12 mm, क्योंकि कौन सा की का वैल्यू फाइंड आउट करना है वहाँ पर उन्होंने मेंशन नहीं किया था। देखिए ऐसे ही सेम न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आते हैं 4 to 6 marks के लिए। अगर इसमें कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, साइड में जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस कीजिए, तो हमारे नेक्स्ट आने वाले वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू।